टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसे क्लासिफाइड किया है जीएम मेयर ने। इसका मीनिंग है द टर्म्स एट विच एक्सपोर्ट एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स, यानी कि वो टर्म जिसके द्वारा एक्सपोर्ट एक्सचेंज की जाती है इम्पोर्ट से, यानी कि जितने ही एक्सपोर्ट्स होगी जितने वैल्यू की उतनी ही वैल्यू की अगर इम्पोर्ट्स होती है, यानी कि दोनों के बीच में क्या होता है एक्सचेंज होती है यानी कि लेन देन, वही हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है। मान के चलते अगर एक्सपोर्ट्स वैल्यू हमारी ज्यादा होती है इम्पोर्ट्स वैल्यू से तो हमारा क्या होता है फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, हमारी करेंसी जो है बढ़ जाती है। तो अब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्लासिफाई करेंगे तीन कैटेगरी में। तो जो पहले तीन हम करेंगे एक्सचेंज बिटवीन कॉमोडिटी को लेकर के करेंगे। तो उसका जो पहला है हमारा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसे हम कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, जिसे सबसे पहले क्लासिफाइड किया था एफ डब्ल्यू टॉसिंग ने। ये क्या है, रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। ये रेशियो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के प्राइस के बीच की रेशियो है। इसे हम डिनोट करते इस फॉर्मूला से टी एन यानी कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल टू पी एक्स बाई पी एम इंटू 100, वेयर पी एक्स इक्वल टू इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड पी एम इक्वल टू इंडेक्स नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स। देख रहे हैं, अब मान के चलते हैं यदि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, किसी चीज की कीमत जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट क्वांटिटी जो होगी कम जाएगी। इससे क्या होगा, वेलफेयर ऑफ कंट्री होगी, और यह कहाँ एप्लीकेबल है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल होगी। अब लेके चलते हैं एग्जाम्पल, किसी चीज की कीमत पहले 100 रुपए थी, तो हम क्या करते थे उसे 11 क्वांटिटी बेचते थे 1100 में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हमारी होती थी 11 क्वांटिटी 1100 में होती थी। अब मान के चलते उसकी कीमत बढ़कर हो गई 110 रुपए, तो हम क्या करेंगे, हम 10 क्वांटिटी को ही 1100 में बेचेंगे। तो अब यहां पर क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई बट क्वांटिटी कम हो गई। हम क्या कर रहे हैं उनको, अब हम 10 क्वांटिटी ही 1100 में दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास पैसे बचने लग बढ़ गए। अगर हम 11 बेचेंगे तो और 110 रुपए हमें आ जाएगी, यानी कि हम उसी पैसे में अब हम उनको कम क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वांटिटी हमारी बच जा रही है, तो हम उसे अलग से और एक्स्ट्रा पैसे में बेच सकते हैं। तो इससे हमारी क्या होगी, हमारी कंट्री का वेलफेयर होगा, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाएगी, हमारी करेंसी बढ़ रही है, क्योंकि हम अपने पैसे हमारे बढ़ गए हैं, तो हम उसी पैसे से कम क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा क्या है, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। यह क्या है, रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पर प्राइस का रिलेशन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के साथ, यहाँ पर क्या है देखिए क्वांटिटी है, तो ये प्राइस को रिलेट करेगा, यहाँ पर हम क्वांटिटी को लेकर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टी जी यानी ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल टू क्यू एम बाई क्यू एक्स इंटू 100, वेयर क्यू एम क्या है इंडेक्स नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स क्वांटिटी और क्यू एक्स इक्वल टू इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स क्वांटिटी। तीसरा हमारा क्या है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसे हम एक्सपोर्ट्स गेन फ्रॉम ट्रेड भी कहते हैं। ये क्या है, कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड पता है ना आपको, ये वाले नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, उसको हम किससे करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स यानी कि क्यू एक्स, यहाँ पर जो क्यू एक्स है, ठीक है। तो देखिए टी वाई यानी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इंटू पी एक्स बाई पी एम इंटू क्यू एक्स, पी एक्स बाई पी एम हमारी कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इंटू क्यू एक्स हमारी एक्सपोर्ट्स है, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स है। अगर यहाँ पर क्या होता है कि इम्पोर्ट गुड्स इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट गुड्स, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अनफेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट ज्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट कम हो रही है। अब हम देखते हैं चौथा क्या है हमारा, चौथा और पांचवा जो है हम इसे किस बेस पे क्लासिफाई किए टर्म्स ऑफ ट्रेड को, ये है हमारा चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमने फोर्थ और फिफ्थ को लेंगे। तो फोर्थ है हमारा सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये क्या है, कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स। कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड तो हम जानते हैं कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को ही कॉमोडिटी कहते हैं, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स सेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टी एस यानी सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल टू कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंटू जेड एस यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर। अगर मान के चलिए सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव्ड हो जाएगी, देन क्या होगा, हमारा कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो अनफेवरेबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम पांचवा देखते हैं, डबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रेशियो ऑफ फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड फॉरेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री,
ये जो है रेशियो ऑफ फैक्टर पर डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के रिलेशन है, यानी कि टी डी यानी कि डबल टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल टू पी एक्स बाई पी एम, ये हमारा कॉमोडिटी है, इंटू जेड एक्स बाई जेड एम। जेड एक्स आपको पता है कि सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, और जेड एम तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डबल टर्म्स ऑफ ट्रेड आ जाएगी। अब छठवां जो है, हमने इसे किस बेसिस पे क्लासिफाई किया टर्म्स ऑफ ट्रेड को, यूटिलिटी एनालिसिस के बेस पे इस पे किया है। तो ये हमारा सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस यूटिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टी आर इक्वल टू टी एस इंटू आर एक्स। आर एक्स क्या है, डिस यूटिलिटी यानी कि रियल कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट गुड्स, यानी कि रियल कॉस्ट क्या होती है, एक किसान जो मेहनत करता है और वह प्रोडक्टिविटी करता है, प्रोड्यूस करता है जो भी एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट के लिए जो भी गुड्स, मान लीजिए उसकी जो मेहनत लगती है, उसकी सेक्रीफाइस होती है, वही है इसकी डिस यूटिलिटी, यानी कि टी आर रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल टू टी एस इंटू आर एक्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है और साथ ही साथ इसके टाइप्स भी आपको समझ में आ गए। ये आपको इग्नो के लिए भी फेवरेबल, इग्नो की एमवीसी जून 21 क्वेश्चन नंबर 10 है ये, जो एग्जाम में आया था। और साथ ही साथ आप इसे, यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।